हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हमारे मैनिपुलेशन ऑफ रिलेशंस के कुछ टॉपिक्स और थियरम्स के बारे में रह गए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वहां पर हमने जो लास्ट में छोड़ा था, जो टॉपिक था, उसके एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके लिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हियर सेट ए विच इज द एलिमेंट 1, 2, 3 एंड कंसिडर द टू रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर एंड एस। यहाँ पर रिलेशन आर और रिलेशन एस के हमारे बीच सेट मौजूद है। तो हमने पहले आर इनवर्स निकाल लिया है, वहां पे बताया था कि आर एंड आर इनवर्स आर रिफ्लेक्सिव, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इज इरिफ्लेक्सिव एंड इट्स यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के बारे में हम सबको पता है कि अगर ए रिलेशन ए है और ए ए बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स इट इज अ रिफ्लेक्सिव। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास आर है। अब आर इनवर्स कैसे बनेगा ये आपको आज देखने को मिलेगा। आर इनवर्स हमने देखा होगा तो 1, 1, 1, 2 है तो वो हो जाएगा 2, 1, 1, 3 है तो वो हो जाएगा 3, 1, 2, 2 तो वो तो 2, 2 ही बनेगा, और 3, 3 तो 3, 3 ही बनेगा। तो दोस्तों यहां पर आपके लिए ये आसान हो गया है कि आर इनवर्स कैसे एग्जिस्ट होता है। ओके, सो दोस्तों यहां पर अब आर के किसी भी एलिमेंट्स का आप स्विच करके देख लो तो आर के अंदर और आर इनवर्स के अंदर उसका एग्जिस्टेंस मिल ही जाएगा। मतलब कि 1, 1, 1, 2, 2, 1 सो 2, 1 है, 1, 3, 3, 1 है, 2, 2, 2, 2, 3, 3 सब। मतलब कि जो नंबर्स या जो एलिमेंट्स हमारे एग्जिस्ट होने चाहिए वो अंदर है ही। दैट्स वाई आर एंड आर इनवर्स आर रिफ्लेक्सिव, आर एंड आर इनवर्स आर बोथ रिफ्लेक्सिव। आर बार मतलब कि आर के अंदर जो है उसके अलावा, मतलब कि आर के अंदर 1, 1 है, 1, 2 है, 1, 3 भी है, 2, 1 नहीं है तो 2, 1 आएगा, 2, 2 है, 2, 3 नहीं है तो 2, 3 आएगा, 3, 1 नहीं है तो वो भी आएगा, और 3, 2 नहीं है तो 3, 2। मतलब कि आर कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग है कि आर के अंदर प्रेजेंट है वो आर बार के अंदर नहीं होगी, और आर बार के अंदर जो प्रेजेंट है वो आर के अंदर नहीं होंगे। एंड दैट्स वाई अब यहां पर ई रिफ्लेक्सी आप किसी को भी घुमा के देख लो तो आर बार, अब आर बार का कॉम्प्लीमेंट 1, 2 उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं है, 3, 2 ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं है, 3, 1 मतलब कि इसका जो भी सेट है उसको हम ए रिलेशन बी करेंगे या बी रिलेशन ए करेंगे उसके अंदर होना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई इट इज आर कॉम्प्लीमेंट्री इज ए रिफ्लेक्सिव व्हाइल आर इज अ रिफ्लेक्सिव। मतलब कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव आर कॉम्प्लीमेंट्री हुआ है, सेट नहीं हुआ है, सेट तो हमारा रिफ्लेक्सिव ही है। अब आर इंटरसेक्शन एस करेंगे, मतलब कि आर इंटरसेक्शन एस में जितने कॉमन है, जैसे कि 1, 1 फिर 1, 2 1, 3 नहीं है, 2, 2 और 3, 3 तो ये आ जाएंगे 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3। यूनियन के अंदर सभी को मिला देना है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2 सॉरी 2, 3 नहीं है 3, 2, 3, 3 ये सबको मिला दिया है। अब किसी को भी आप घुमा के पूछोगे तो वो एग्जिस्टेंस उसके अंदर मिल ही जाएगा। दैट्स बोथ आर रिफ्लेक्सिव। अब दोस्तों थियरम नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा थियरम है हमारे चैप्टर के अंदर कि जिसके प्रूफ के बारे में आपको टोटली विद द एक्सरसाइज फॉर्म ही करना है, बट इसके रिजल्ट बहुत ही मायने रखते हैं, जिसको आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर हेल्पफुल होंगे। सो लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। मतलब कि अगर आर किसी सेट का रिलेशन है तो वो आर सिमेट्रिक है तो उसकी दोनों की इक्वालिटी हो जाएगी। मतलब कि आर इज अ सिमेट्रिक देन आर इनवर्स इज अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बारे में हम सबको पता है कि यस ए रिलेशंस बी, बी रिलेशंस ए, देन ए इज इक्वल टू बी। मतलब कि ये सिमेट्रिक की थी बात हो गई। आर इज अ एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक के बारे में हम सबको पता है, हमने सबने आगे प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है कि एंटी सिमेट्रिक क्या बता रहा है। इफ एंड ओनली इफ आर इज एंटी सिमेट्रिक, इफ एंड ओनली इफ आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स इज बिलोंग्स टू सबसेट और इक्वल टू डेल्टा। हमने एंटी सिमेट्रिक के बारे में भी पढ़ा हुआ है और एसीमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक के बारे में हम सबको पता है,
कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू ए, देन इट्स ए इक्वल टू बी. ओके, एसीमेट्रिक, एसीमेट्रिक दिखा रहा है कि आर इज द एसीमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स इज अ फाई. मतलब कि ये ऐसा रिलेशन था कि ए लेस देन बी हो सकता है बट बी लेस देन ए नहीं हो सकता है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी गलत हो सकती है. मतलब कि अगर मैं थ्री लेस देन फोर लिखता हूं कहीं पे और उसी के सामने एक स्टेटमेंट ये भी लिख सकता हूं कि फोर लेस देन थ्री, मतलब कि ये इक्वालिटी तो गलत हो गई कि फोर तो सेम टू थ्री हो गया और ये सेम हो गया, तो मतलब हमारी मैथमेटिकल लॉजिक सब गलत हो जाएगी. मतलब कि सिमेट्रिक के बारे में हम सबको पता है कि ए रिलेशंस बी और बी रिलेशंस ए होना चाहिए, तो सिमेट्रिक है. रिफ्लेक्सिव में ए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव था. सो दोस्तों यहां पर हम सबको पता चल गया है कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, एसी सिमेट्रिक, ये सब क्या चीजें थी. तो ये सब आपको, इसीलिए मैंने आपको ये थियरम वन के अंदर पहले बताया था कि थोड़े रिकॉल्स करते रहने पड़ेंगे. दोस्तों अब हम सबके पास आ गया है थियरम नंबर फोर, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट थियरम है. ओके दोस्तों, यहां पर थियरम नंबर फोर ये बता रहा है कि इफ आर एंड एस रिलेशन आर इज ए सिमेट्रिक, सो आर इनवर्स एंड आर बार इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री, इज बोथ आर सिमेट्रिक. इफ आर एंड एस आर सिमेट्रिक, सो आर आर इंटरसेक्शन एस एंड आर यूनियन एस इज ए सिमेट्रिक. तो दोस्तों यहां पर हम सबके पास एक बेसिक कंसेप्ट है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव को कैसे हमने प्रूव किया, वैसे ही यहां पर सिमेट्रिक को प्रूव करना है. तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम पहले आर से स्टार्ट करते हैं कि इफ आर इज दी ए सिमेट्रिक देन आर इज इक्वल टू आर इनवर्स एंड थस आर इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू आर एंड इफ आर इज इक्वल टू आर इनवर्स देन इट इज ऑल्सो आर इनवर्स. मतलब कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट आ चुका है विच मीन्स दैट आर इज ऑल्सो सिमेट्रिक. मतलब कि हमने इनवर्स के ऊपर इनवर्स डाला तो वो सेट खुद हो गया, और यहां पर तो यही बताया हुआ है कि इनवर्स और उसका सेट बोथ आर सेम, दैट मीन्स द सेट इज अ सिमेट्रिक दैट्स इनवर्स इज अ सिमेट्रिक. ऑल्सो ए बी बिलोंग्स टू आर कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स इफ एंड ओनली इफ बी ए कॉम्प्लीमेंट्री बिलोंग्स टू आर. अगर इनवर्स में ए बी है तो सेट कॉम्प्लीमेंट्री में बी ए होंगे, अगर बी ए सेट कॉम्प्लीमेंट्री में है तो बी ए इट्स नॉट इन आर होंगे, क्योंकि हमें सबको पता है कि अगर वो सेट कॉम्प्लीमेंट्री में है तो वो ओरिजिनल सेट में नहीं होंगे, अगर वो ओरिजिनल सेट में नहीं है तो इट मीन्स इट्स इनवर्स इज नॉट इन आर इनवर्स एंड विच इज बिलोंग्स इक्वल टू आर. एंड इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि आर इन कॉम्प्लीमेंट्री इज ऑल्सो सिमेट्रिक, क्योंकि हमने ए बी को इन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इनवर्स सपोज किया था और वी सो दैट कि इट्स नॉट इन आर, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री में है तो वो आर में नहीं होनी चाहिए, और हमने ये बता दिया है. और कैसे बताया है कि बी ए इज इन कॉम्प्लीमेंट्री बट बी ए नॉट इन आर, बी ए नॉट इन आर देन इट्स ए बी इज नॉट इन इनवर्स, इनवर्स मीन्स इट्स नॉट इन आर, क्योंकि ये पहले स्टेप में बताया कि आर एंड आर इनवर्स आर सेम. ओके दोस्तों, अब हमने जैसे इनवर्स को बताया, अब इंटरसेक्शन और यूनियन की बात हो रही है. द प्रूफ ऑफ द पार्ट बी फॉलोज द इमीडिएटली फ्रॉम देम थियरम 1C. हमने 1C जो हमारे आगे के वीडियो में हमने दिखाया था उसी की तरह से बताना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस एंड आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू एस, सो दैट्स व्हाई दिस इज इंडिविजुअली इन आर एंड एस, और कन्वर्सली आपको वैसे ही दिखाते जाना है. और दैट्स व्हाई वी प्रूव दैट कि इट इज ऑल्सो आर इंटरसेक्शन एस एंड आर यूनियन एस, सो दैट्स व्हाई इट इज अ सिमेट्रिक. दोस्तों ये एग्जाम्पल के जरिए आपके बहुत से इजीली इजी वे में आप बता सकता हूं मैं आपको कि अगर ए इज अ 1 2 3 ओके एंड कंसीडर द सिमेट्रिक आर विच इज द एलिमेंट्स गिवन्स दैट 1 1 1 2 2 1 1 3 and 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 and 3 3. सो वॉट इज अबाउट आर इनवर्स, यहाँ की यहाँ का इनवर्स ये हो जाएगा 1 1 2 1 1 2 3 1 and 1 3. तो दोस्तों ये समझना आपके लिए बहुत आसान हो गया. अब आर कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 1 1 तो है
वन टू भी है, वन थ्री भी है, तो ये तीन नहीं आएंगे। अब टू वन भी है, टू टू नहीं है, टू थ्री भी नहीं है, थ्री वन है, थ्री टू नहीं है और थ्री थ्री नहीं है। तो मतलब कि आर बार और आर इनवर्स हमने कहीं से भी, ये जो सेट आर दिया था उसमें से मैंने आर इनवर्स बनाया, जो एक दूसरे के उलट सुलट लिखना होता है। मतलब कि यहाँ पे वन वन है, ये वन टू है, तो टू वन हो जाएगा। जबकि आर कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पर मौजूद है वो नहीं होने चाहिए। सो आर इनवर्स एंड आर बार आर सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक हुए ये हम सबको पता है कि सिमेट्रिक कंसेप्ट बहुत आसान है। नाउ यू क्लियर आउट दैट्स इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या आएगा इस दोनों के बीच में, वन 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 टू टू वन, वन 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 टू एंड टू वन। व्हाट इज अबाउट यूनियन, वन 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 टू टू वन, वन थ्री टू टू, थ्री वन थ्री थ्री। तो ये भी आ गया। अब सिमेट्रिक का मतलब हम सबको पता चल चुका है। सो दोस्तों ये हुआ हमारा थियरम नंबर फोर। अब पढ़ते हैं थियरम नंबर फाइव। इसको थोड़ा बारीकी से और शांति से देखना पड़ेगा हम लोगों को। ओके दोस्तों, यहां पर हमने थियरम नंबर फाइव स्टार्ट किया है। सो आर एंड एस बी अ रिलेशन ऑन ए, सो आर इंटरसेक्शन एस इट्स नॉट स्क्वायर, इट्स अ लेंथ, इट्स सबसेट और इक्वल टू आर ऑफ टू लेंथ इंटरसेक्शन एस टू लेंथ। आर एंड एस आर अ ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव के बारे में हम सबको पता है कि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी। सो इट्स इंटरसेक्शन इज ऑल्सो ट्रांजिस्टिव। इफ आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशंस, सो इज इंटरसेक्शन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में हम सबको पता है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिस्टिव होना चाहिए, तब जाके वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। तो दोस्तों हम प्रूफ नंबर ए से स्टार्ट करते हैं कि वी हैव ए विच रिलेटेड विद द आर इंटरसेक्शन एस विद द टू एजिस विद बी। ये हुआ हमारा कंसेप्ट। इफ एंड ओनली इफ देयर इज द पाथ ऑफ लेंथ टू। मैंने पहले ही बताया था कि इट्स अ लेंथ ऑफ टू फ्रॉम ए टू बी इन आर इंटरसेक्शन एस बोथ एजिस। या तो आप इसको एजिस के रूप में देख सकते हो या तो लेंथ के रूप में। ऑफ दिस पाथ लाई इन आर एंड इन एस, सो ए इट्स टू लेंथ ऑफ रिलेटेड बी ऑल्सो इन सेट आर एंड इन सेट एस। दोस्तों ये आर और एस जो है हमारे सेट दिए उसके रिलेशंस में कनेक्टेड है ए एंड बी, विच इंप्लाइज दैट इट्स ऑल्सो इंडिविजुअली इंटरसेक्ट विद द टू लेंथ ऑफ एजिस और टू लेंथ ऑफ सेट आर एंड एस विद द रिलेटेड ए एंड बी। ओके दोस्तों, अब ये बात हो चुकी है रिलेशंस के बारे में। अब इफ आर एंड एस आर ट्रांजिस्टिव, तो वी रिकॉल दैट रिलेशन टी इज अ ट्रांजिस्टिव इफ एंड ओनली इफ इट्स टू एजिस इज सबसेट और इक्वल टू टी, वेयर जेड इज बिलोंग्स टू आर एंड एस आर ट्रांजिस्टिव, देन R of two edges is a subset or equal to R and S of two edges is subset or equal to S, then its intersection of two edges it's a subset or equal to individually set of two edges by part A. So it is also individually of two edges intersection subset, so it is also a subset of individually intersection of R S, so R intersection S is transitive. A is a subset or equal to B, B is a subset or equal to C, then A is a subset or equal to C, A is a subset or equal to B, B is a subset or equal to C, then A is a subset or equal to C, so A is a transitive. दोस्तों यहां पर बात हो चुकी है A और B पार्ट की, अब C पार्ट के बारे में बात करते हैं। रिलेशन R एंड S हम सबको पता है बोथ आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। द सेम प्रॉपर्टीज होल्ड इन आर इंटरसेक्शन एस फ्रॉम द थियरम 2b, 4b एंड 5b। मतलब कि हमने जो थियरम नंबर 2 में पढ़ा था 2b के अंदर पढ़ा था कि वो दोनों आर इंटरसेक्शन एस रिफ्लेक्सिव है, 4b के अंदर हमने पढ़ा कि आर इंटरसेक्शन एस सिमेट्रिक है और 5b के अंदर हमने पढ़ा कि वो ट्रांजिस्टिव है। सो रिस्पेक्टिवली हैंस कि आर इंटरसेक्शन एस
इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब कि अगर आपको ये थियरम पूछा जाता है कि सो दैट कि आर इंटरसेक्शन एस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपको ये तीन थियरम, थियरम नंबर 2B, थियरम नंबर 4B एंड थियरम नंबर 5B, ये तीनों पार्ट को लिखना रहेगा और तब जाके आपको क्लियर होगा कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं कॉम्पोजिट फंक्शन और कॉम्पोजिट रिलेशन। जैसे कि आपने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था कंपोजिट फंक्शन, वैसे ही यहां पर मैंने इसीलिए ये दो वर्ड्स का यूज किया है, कंपोजिट फंक्शन और कंपोजिट रिलेशन। यहां पर सेम चीजें हैं, बस यहां पर उसको रिलेशन फॉर्म में दिखाया हुआ है। नाउ सपोज दैट ए बी एंड सी, यहां पर ए बी एंड सी आर सेट्स, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एस इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू सी, तो वी कैन डिफाइन अ न्यू रिलेशन दैट इज द कंपोजिशन रिलेशन ऑफ आर एंड एस विच इज रिलेटेड और रिटर्न एज अ एस कंपोजिशन आर। मतलब कि ए कंपोजिट, सॉरी ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी, यही चीज दिखाई होगी। द रिलेशन एस कंपोजिशन आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू सी बिकॉज ऑफ ए टू बी, बी टू सी, देन ए टू सी। ओके, इन अ, इन अ नहीं है ये सेट, ए का एक एलिमेंट ए है विच इज इन ई ए, सी इज इन सी, द ए कंपोजिट एस रिलेटेड आर विच इज रिलेटेड टू सी If and only if some B in B, मतलब कि वो कनेक्ट होगा A related to B and B related to C, then in the other word A, मैंने जैसे ही बताया कि A is related to B, B related to C, then it is A related to C by S composition R. If we can get from A to C in two stages, first to an intermediate vertex B by relation R and then from B to C by relation S, and the relation S composition R might be thought as the S following R since it represents the combined effect of two relations, first R and S. आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कंपोजिट फंक्शन के अंदर देखा था कि इफ इट इज द फर्स्ट यू अप्लाई इन आर, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एस फॉलोइंग आर, ये आपने लिखा है एस कंपोजिशन आर में, पहला रिलेशन अप्लाई होगा आर पे एंड देन आफ्टर अप्लाई होगा एस पे। तो इसी बेस पर हमारे पास थियरम्स अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पर दो थियरम पढ़ने हैं और दो थियरम के बेस पर हमारे साथ पांच एग्जाम्पल, पांच से छह एग्जाम्पल हम ट्राई करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम आज दो थियरम के बारे में उसके अंदर बात कर लेते हैं। तो थियरम नंबर 1 सेज दैट कि लेट ए बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड लेट एस बी अ रिलेशन फ्रॉम बी टू सी। सो इफ ए वन इज एनी सबसेट ऑफ ए, वी हैव अ एस कंपोजिशन आर विच इज ए वन, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड टू आर एंड देन आफ्टर इन एस। ये क्यों हो रहा है ये दिखाना है। ओके, सो इफ एलिमेंट जेड इन सी, ओके जेड इन सी इज इन एस कंपोजिशन आर ए वन, सो एक्स रिलेटेड टू एस कंपोजिशन आर जेड, क्योंकि एक्स तो ए में है ही, सबसे पहले हमें बता दिया है। ओके, ये लिखा हुआ ही है कि फॉर सम एक्स इन ए वन बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन, दिस मीन्स एक्स रिलेटेड टू वाई, y related to z, for some y in b होगा, क्यों, क्योंकि हम सबको बताया कि a to b और b to c, that means a to c, so y belongs to rx, so y belongs to, so z is belongs to r composition r, s composition r of x, since x is a subset or equal to a1, so s of r of x is a subset or equal to आर ऑफ ए वन, क्योंकि ए वन इज ऑल्सो इन एक्स, एक्स जो हमारा ए वन के अंदर है ही, सो सिंस ए वन इज अ सबसेट और इक्वल टू ए टू, देन आर ए वन इज अ सबसेट और इक्वल टू आर ए टू,
हैंस जेड इज बिलोंग्स टू आर एस ऑफ आर ऑफ ए वन, सो एस कंपोजिशन ऑफ आर ए वन इज ए सबसेट और इक्वल टू एस आर ऑफ ए वन. कन्वर्सली सपोज दैट जेड इज बिलोंग्स टू एस ऑफ आर ऑफ ए, देन जेड इज बिलोंग्स टू एस ऑफ वाई फॉर वाई इन आर ऑफ ए वन, एंड सिमिलरली वाई इज इन आर ऑफ एक्स, एक्स इन ए वन. अगर y r of a1 में है तो r of x में भी हो सकता है क्योंकि x is in a1. This means that x is related to y, y is related to z, so that x of related to s composition of r of z. Thus, z is a s composition of r of a1. क्यों? क्योंकि हमने a1 के अंदर से ये काम किया है. So, s of r of a1, जो हमने पहले भी मैंने बताया था कि अगर हम दोनों के सबसेट और इक्वल टू बताते हैं कि ए इज अ सबसेट और इक्वल टू बी एंड बी इज अ सबसेट और इक्वल टू ए, देन ए इक्वल टू बी हो जाएगा. वैसे ही हमने यहां पर एक बार सबसेट और इक्वल टू दिखाया था, हमने कन्वर्ज सबसेट और इक्वल टू दिखाया, दैट मींस इट इज प्रूव दैट बोथ आर सेम. यहां पर हमने पूरे थियरम, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जेड आया, वाई आया, एक्स आया, क्या हुआ, तो मैं एक सिंपल सेंटेंस में बता देता हूं कि हमने एक जेड एज्यूम किया था जो हमारे इन सी था. सी मतलब कि हमारे सेट एस के अंदर था और वो हमारे सेट ए वन के अंदर होगा. क्यों? क्योंकि आर ऑफ ए वन पहले लिखा जाएगा, उसी वजह से हमें पहले इसको जेड बिलोंग्स टू, ये देख लीजिए एस कंपोजिशन ऑफ आर ऑफ ए वन में हमने इसको एज्यूम किया था और फिर हमने एंड ऑफ द मोमेंट हमने इसको एस ऑफ आर ऑफ ए वन में दिखाया बाय द सम फंडामेंटल्स, और उसी चीज को हमने रिवर्सली भी दिखाया by using some fundamentals, and if both are the subset or equal to each other, that means it is equal. Okay, दोस्तों, तो अब हमारे पास हो गया है theorem number 2. आपके स्क्रीन पे examples भी दिख रहे होंगे, but examples हम next video में देखेंगे. So now theorem number 2 says that if A, B, C be a sets of R, relation from A to B, and S is from B to C, then its composition of inverse its reverse side, मतलब कि R inverse composition of S inverse, मतलब कि अगर हम यहां पे सपोज करें कि C is in capital C and A is in capital A, तो मतलब क्या हो जाएगा कि C A its belongs to S composition of R, if and only if C A है तो A C belongs to A C composition of R, that is if and only if A B belongs to B, A B belongs to B means A B belongs to R, B C belongs to S. Finally, this equivalently statement that C B belongs to, क्योंकि A B B C, अब C B belongs to क्या हो जाएगा S inverse, A B belongs to R, that means हो जाएगा B A belongs to R inverse, so that C B B A, तो C A belongs to R inverse composition.